यस सर, मैं मानता हूँ कि एक अलग कंट्री से, पर सर मेरी बीजी हमेशा कहती है लव थाय नेबर। तो दोस्तों फाइनली रिलीज किया गया फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर, जो कि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में था। उसका रिव्यू और उसका रिएक्शन लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों अगर बात करें फिल्म के ट्रेलर की सबसे पहले, तो आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये समझ में आ जाता है कि भैया फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है फिल्म के ट्रेलर में कि इसकी कहानी पता चल जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान और इंडिया का लुक दिखाया जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि दो ग्रुप के डांसर्स होने वाले हैं, एक इंडियन होगा और एक पाकिस्तानी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ग्रुप डांसर में वरुण धवन होने वाले हैं, जो कि वरुण धवन एक डांस ग्रुप के लीडर का किरदार निभाएंगे, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर बात करें श्रद्धा कपूर की, तो श्रद्धा कपूर जो हैं वो ग्रुप लीडर का किरदार निभाएंगी, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब ये दोनों अपने अलग अलग देशों से आएंगे फॉरेन कंट्रीज में डांस कंपटीशन लड़ने के लिए, और वहीं पे इन दोनों का मुठभेड़ होने वाला है, यानी कि एक दूसरे को दोनों जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आने वाले हैं, और इसी बीच इन दोनों को प्यार हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के आगे के कहानी की, तो वो तो आपको पता ही है कि लास्ट में प्यार हो जाएगा और दोनों में से एक कोई जीतेगा ही जीतेगा। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म में नोरा फतेही की, तो नोरा फतेही जो हैं उनका बहुत कम फुटेज शेयर किया गया है फिल्म के अंदर, लेकिन जहां पे भी शेयर किया गया है वो बहुत ही दमदार है और एक छाप छोड़ देता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से किया गया है और फिल्म के डांस को भी कमाल के तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। जब इतने बड़े बड़े कोरियोग्राफर जैसे प्रभु देवा और रेमो डिसूजा, जो कि डांस के गुरु माने जाते हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म तो दमदार होनी ही थी। वहीं अगर बात करें वरुण और श्रद्धा के जोड़ी की, तो जोड़ी कमाल की लग रही है। जैसे कि ABCD में हमने देखा था इन दोनों के जोड़ी को, तो अच्छी जोड़ी है और कमाल की जोड़ी लग रही है ABCD 2 में, और ये इसमें भी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर बात करें प्रभु देवा जी सर की, तो उनका डांस तो एक अल्टीमेट लेवल पर होने वाला है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म में कॉमेडी भी होने वाली है, क्योंकि कॉमेडी के मामले में वरुण धवन काफ़ी अच्छे हैं, और हमने ट्रेलर में भी देखा थोड़ी बहुत कॉमेडी है, और इसके बाद राघव भी फिल्म के अंदर है, तो कॉमेडी तो होनी ही थी। तो यही सारी चीज़ें अगर देखा जाए फिल्म के अंदर, तो जनवरी में फिल्म रिलीज़ भी की जा रही है और इंडिया पाकिस्तान का ये ज़बरदस्त तोड़ जो है वो दिखाया जाएगा फिल्म में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि 26 जनवरी भी है, तो भैया कुछ तो कमाल होना ही है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको स्ट्रीट डांसर 3D का ट्रेलर कैसा लगा। सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।